गाइस यार आज तो बहुत लेट हो गया। मैं सिंचैन को स्कूल से लाने से जल्दी जल्दी चलता हूँ। हाँ सिंचैन के स्कूल पे ये क्या चल रहा है? अरे जल्दी जल्दी से यार, वेबसाइट ढूंढता हूँ, सूट खरीद रहे हैं। हाँ ये क्या चल रहा है गाइस? ये सभी फोन में इतने बिजी क्यों है? एक मिनट, इसके फोन में कोई ऑनलाइन शॉप खुली पड़ी है। अरे ये तो कोई यार आयरन मैन की शॉप लगती है। ये दूसरा बंदा क्या कर रहा है? अरे इसके फोन में भी शॉप खुली हुई है आयरन मैन की। इस वाले फोन बंदे को देखते हैं। ओह माय गॉड, इन सभी के फोन में आयरन मैन की शॉप्स खुली हुई है। लेकिन करेंगे क्या, एक बंदे के फोन में तो हल्क की शॉप भी खुली हुई है। अरे भाई ये क्या करना चाह, अरे भाई 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 गाइस देखो यार, ये तो सूट बाय, ओह माय गॉड, इन सब ने एक ने आयरन मैन का सूट बाय, एक ने हल्क का, ओह माय गॉड गाइस। लेकिन ये बंदा क्यों रो रहा है? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे को कोई वेबसाइट ही नहीं मिली, मैं सूट ही नहीं खरीद पाया। ओह गाइस इनमें से तीन बंदों को मिल गई और एक को नहीं मिली। अरे गाइस यार मेरे अकाउंट में तो $0 है, मैं कैसे खरीदूंगा? चलो हम भी अपना लक ट्राई करते हैं, क्या पता हमें भी वेबसाइट मिल जाए। खोलता हूँ फोन, अरे गाइस यहाँ पे वेबसाइट तो मिली मुझे लेकिन यार लॉक्ड है। प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। गाइस हमारे पास लिमिटेड टाइम है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे वेबसाइट अनलॉक हो रही है, अरे वाह गाइस, यस यस यस। अरे क्या बात है दोस्तों, हमारी वेबसाइट अनलॉक हो चुकी है। लेकिन बैड लक है गाइस हमारे लिए, मेरे पास $1 तक नहीं है, मेरा अकाउंट तो देखो। और यहाँ पर $1 से लेके $100 मिलियन तक के सूट है, 9 मिलियन का भी है, $40 मिलियन का भी है। एक मिनट गाइस, ये तो हल्की शॉप है, मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं। और गाइस ये तो मुझे सच में गोल्डन हल्की शॉप लग रही है, मतलब हम तो यार सोने में खेलेंगे अगर एक बार मैंने सूट खरीद लिए थे। लेकिन गाइस उसके लिए पैसा भी तो होना जरूरी है। चलो कोई नहीं, मैं जाके कुछ जुगाड़ करता हूँ। एक मिनट देखिए, चले मेरे को छोड़ दे बेटा, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ। पापा जी आपका मुझे पैसे देने होंगे। गाइस ये कौन बच्चा है यार जो अपने बेचारे पापा को परेशान कर रहा है? बेटा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पापा जी चुपचाप मेरे को $1 मिलियन दे दो। क्या तुझे शर्म नहीं आ रही, अपने बूढ़े पापा से $1 मिलियन मांग रहा है? तू जवान है, चल जाके खुद कमा ले। तू कौन है, ये मेरी फैमिली का मैटर है। गाइस देख रहे हो कितना बुरा है यार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अंकल को अकेला छोड़ दे। बच्चे तू बहुत अच्छा है लेकिन मेरा बेटा समझदार नहीं है, इसको समझा ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो बस $100 है गंती के। अरे अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको भी भगाता हूँ। ए चल भाग यहाँ से। अरे बाप रे, पापा देख लो आप गलत कर रहे हो, मैं देख लूंगा आप दोनों को। यहाँ से निकल, यहाँ से, आज के बाद इन अंकल को परेशान मत कर देना। गाइस कैसे कैसे बुरे लोग हैं, देख रहे हो, अपने पापा से जबरदस्ती पैसे मांग रहा था, वो भी बेचारों को ऐसे रोड पे खड़े करके। अंकल आप ठीक तो है? बिल्कुल बेटा मैं ठीक हूँ, तेरा नाम क्या है? अंकल मेरा नाम फ्रैंकलिन है, असल में मैं भी किसी जॉब की तलाश में ही था, कोई जॉब हो तो बताना, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है पैसों की। अरे बेटा मेरे पास भी पैसे नहीं है, नहीं तो मैं तेरी मदद कर देता। अरे नहीं नहीं अंकल मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अरे अंकल क्या कर रहे हैं आप? ये ले बेटा $1 ले ले, कम से कम कुछ तो हेल्प करूंगा मैं तेरी। अरे गाइस ये अंकल बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच अंकल। चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर अंकल ने हमें $1 दे दिए क्योंकि हमने उनकी मदद की थी ना। मजा ही आ गया अंकल की मदद करके। अभी गाइस $1 में ना हम कोई सूट खरीद सकते हैं, काश यार कोई सूट मिल जाए। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पर ना $1 का सूट है, पहले यार देखता हूँ ये सूट दिखता कैसा है। अरे काफी अच्छा लग रहा है गाइस सूट तो, देखिए क्यों ना मैं इसको बाय कर लूँ। ये क्या बाय, ओके गाइस ये तो सच में गोल्डन हल्का ही सूट है। और गाइस यहाँ पर $1 में गोल्डन हल्का सूट, ओ माय गॉड मजा ही आ गया। लेकिन गाइस बैड लक, हमारे पास कोई सुपर पावर ही नहीं है, काश सुपर पावर और होती तो मजा ही आ जाता। उसके लिए अभी हम और पैसे कमाने होंगे, तब जाके हम और सूट खरीदेंगे, तब जाके हमें सुपर पावर भी मिल जाएगी। चलो न्यूज में देखते हैं क्या चल रहा है। आप रे बाप रे, हमारे शहर में तो बहुत ही खतरनाक हल्क है, पूरे शहर के लोगों से वो हफ्ता मांग रहे हैं और सबसे पैसे मांगते हैं, कोई बचा लो हमको। गाइस हमारे शहर में ऐसी क्राइसिस, कोई दो हल्क है जो हमारे शहर के लोगों से जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है पैसा निकाल, ए जल्दी पैसा निकालो। जी बिल्कुल निकाल रहे हैं। गाइस यहाँ पर हमारे शहर के सारे लोग एक एक करके इनको पैसे दे रहे हैं अपने घर का। अरे भाई ये तो बहुत गलत है, हमारे देश के फ्यूचर का क्या होगा, हमारे देश के बच्चों क्या होगा अगर सारा पैसा ये ले जाएंगे तो? मुझे किसी भी हालत में इन लोगों को पीटना होगा। लेकिन गाइस इनको देखिए तो, इतना सारा पैसा, ओ माय गॉड अभी भी इनका मन नहीं भरा है, सारा पैसा निकालो। जी बिल्कुल सर निकालते हैं। गाइस यहां पर मुझे अपने देश को बचाना होगा। हे तुम लोग यहां से निकल जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे देखो देखो ये मच्छर क्या बोल रहा है। गाइस मुझे मच्छर बोल रहा है ये ब्लू रिवेंजर। अरे यार तुम चले जाओ यहां से, मैं बहुत गुस्से में आ गया ना, तो देख लूंगा तुम दोनों को। देख ही तो रहा है तू, इतनी देर से तूने कर क्या लिया हमारा। ये बात तो सही है गाइस, यहाँ तो बेइज्जती हो रही है। अरे तेरी कोई इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती कैसे होगी। बिल्कुल सही कहा, मारो इसको। अरे नहीं नहीं छोड़ मुझे। अरे गाइस ये तो बहुत गदर है। अरे गाइस प्लीज हेल्प मी, कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखो, फिर देखो मैं इनको बताता हूँ। मच्छर तेरे को कुछ नहीं कर पाएगा कोई, चल निकल यहाँ से, मजा ही आ गया इसको पीट कर, अब जाकर जल्दी से पैसा इकट्ठा करता हूँ। अरे गाइस ये तो परेशानी हो गई, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्या
करूं क्या करूं, कैसे इनको परेशान करूं। अरे आइडिया, हम ना गाइस एक काम करते हैं, रात होने का इंतजार करते हैं, जैसे ही रात को सो रहे होंगे गाइस, हम ना एक बड़ा सा बॉम्ब लेके इनके पूरे घर को ब्लास्ट कर देंगे, फिर तो यहां पर हमारा शहर आजाद हो जाएगा इन दोनों हल्कों से। ऑलराइट गाइस, यहां पे मेडिटेशन करते करते रात हो गई, और देखिए ये एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब है, अगर मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया ना, इनका पूरा का पूरा घर हमारे देश के नक्शे से मिट जाएगा। चलो गाइस, मैं यहां पे आ चुका हूं, और देखिए दोनों कैसे सो रहे हैं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा गाइस, पैसे ही पैसे के मारे में पागल हो जाएंगे। मैंने एक काम करता हूं, यहीं पर बॉम्ब रखता हूं, और दोस्तों अब समय आ चुका है इसको ब्लास्ट करने का, सबसे पहले यहां से निकल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हम अपने शहर को बचा लेंगे। ऑलराइट गाइस, यहां पर ब्लास्ट हो गया, ओ माय गॉड, अरे भाई भाई कैसे चल रहा है, हम चूहे छोड़ेंगे नहीं, अरे उनकी तो आवाज आ रही है, हे हम तुझे छोड़ेंगे नहीं गोल्डन हल्क गाइस, वो जलते जलते भी मुझे मारने की बात बोल रहे हैं। गाइस सुबह हो गई यार, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। हेलो, तुम फ्रैंकलिन हो ना? अरे हाँ बिल्कुल सर, मैं फ्रैंकलिन हूँ। तुमने हमारे शहर को बचाया इतने खतरनाक रिवेंजर हल्कों से, इसलिए हम खुशी में तुम्हें देते हैं बहुत सारा पैसा। क्या गाइस, मुझे $9 million मिल गए, अरे मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लिटरली में। गाइस देखा, अच्छा करने से हमेशा अच्छा ही होता है। चलो गाइस, अभी समय आ चुका है यहाँ पर एक सूट खरीदने का, देखिए ऊपर टॉप पे $9 million का एक सूट है, ये भी गोल्डन हल्की है यार, काश मेरे को पावर मिल जाए। ये क्या भाई, ओके गाइस लुक एट मी, मैं बन चुका हूँ गोल्डन हल्क, और इस बार तो यार रियल वाला लग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सुपर पावर भी आ चुकी है। गाइस मजा ही आ गया यार, लेकिन अभी मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाती तो और ज्यादा मजा ही आ जाता। एक मिनट, ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो फ्रैंकलिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भाई, तुम बहुत फेमस हो चुके हो शहर में, प्लीज मेरी मदद कर दो, जल्दी से काम करो, शहर के बाहर माउंट चिलियाड वाले रोड पर आ जाओ। आता हूं गाइस, यहां पर मैं तो काफी फेमस हो रहा हूं, मुझे तो मिशन पे मिशन मिल रहे हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन ने मुझे बुलाया है, मैं उसको जानता तो नहीं हूं पर्सनली। चलो अभी चलते हैं, मैं पता करते हैं क्या मुसीबत आई है। अरे यार मैं हाथ हो गया, अरे भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फ्रैंकलिन मेरी मदद कर दे। अरे ऐसा क्या हो गया सर? रेड हल्क ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए, वो असल में मुझे जान से मारने की धमकी भी देके गया है, प्लीज मेरे पैसे वापस लेकर आ जा और रेड हल्क को पीट दे, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे ढेर सारा पैसा दूंगा, तुझे निराश नहीं होने दूंगा, प्लीज फ्रैंकलिन मेरी मदद कर दे। अरे बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगा। गाइस यार बेचारे अंकल बड़े ही परेशान है, कोई बात नहीं है, अभी हमको ना इनकी मदद करने के लिए उस रेड हल्क के पास जाना होगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे शहर के लोगों को परेशान करने की। गाइस इधर मैं आ चुका हूं, अरे मजा आ गया, सोना ही सोना, उस बिजनेसमैन ने अगर मुझे आगे से खुद पैसा नहीं दिया तो जान से मार दूंगा। हे बहुत बोल लिया तू रेड हल्क, मैं तुझे पीट पीट के इतना पीटूंगा कि जिंदगी में एक रुपया नहीं छुड़ाएगा किसी का, $100 million सोने की तो बात की दूर है। अरे तुझे कैसे पता ये $100 million का सोना है? मैंने तो अंदाजे में बोल दिया। तो चल ठीक है, अब चुपचाप निकलता मन यहां से, नहीं तो जान से मार दूंगा, ये सोना मेरा है, और हाँ बिजनेसमैन मेरा है, उससे पैसे मैं लूंगा, तू नहीं। हां अरे गाइस ये तो पीट रहा है, अरे अरे भाई भाई क्या, अरे दोस्तों बहुत हो गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा तो, और बाप रे मुझे मारा, ये ले और ये ले और ये ले। गाइस अब भी हम रेड हल्क को बहुत सही तरह से पीट रहे हैं। अब बड़ा बेटा रेड हल्क कैसा लग रहा है तुझे? और अब बहुत बुरा लग रहा है, ये उठाया पत्थर और ये मारा। गाइस देखिए रेड हल्क का क्या हाल किया मैंने, ये ले और प्लीज माफ करता है, और छोड़ता है, आज के बाद दूसरा लगा खुद का पैसा भी नहीं चुराऊंगा। यस गाइस यहाँ पर रेड हल्क बुरी तरह से पिट रहा है, इसलिए इसने हार मान ली है। अभी ना एक काम करते हैं, हमने इसको पीट तो बहुत दिया, अब इसको साइड में फेंकते हैं। चलो गाइस सोना भी एकदम सेफ है, अब भी ना मेरे को एक काम करना होगा गाइस, मैं ना इस सारे सोने को लेकर जाता हूँ। अरे नहीं एक काम करते हैं, हम उस बिजनेसमैन को यहीं पर बुला लेते हैं। हेलो सर, फ्रैंकलिन भाई क्या हुआ? आपका सोना एकदम सेफ है, आप एक काम कीजिए ट्रेवर के पुराने वाले एयरपोर्ट पे आ जाइए, वहां पर आपका सारा सोना आपको मिल जाएगा। अरे भाई बिल्कुल आ रहा हूं मैं फ्रैंकलिन, बस थोड़ी देर रहो। गाइस देखिए एक कार तो आ रही है, लगता है उस बिजनेसमैन की कार है। चलो गाइस देखते हैं वो बिजनेसमैन खुशी में हमें कितना पैसा देगा, हमने उसकी बहुत मदद की है। आ रहा हूं भाई फ्रैंकलिन, मैं आ रहा हूं बहुत स्पीड में आ रहा हूं। गाइस यहां पर वो आ चुका है बिजनेसमैन, देखिए कितनी ऑसम कार है और उसकी कैसे स्टाइल में आया है वो। ओ भाई फ्रैंकलिन यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, रुक मैं बस कार से उतर जाऊं। आ जाओ सर आ जाओ। अरे क्या बात है फ्रैंकलिन भाई, तूने तो मेरा पूरा का पूरा सोना बचा लिया। अरे बिल्कुल अंकल, मैं ऐसे ही काम करता हूँ हमेशा। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, $100 million का सोना बचाया तूने, और इसलिए मैं तुझे खुशी में देता हूँ पूरे के पूरे $40 million। अरे वाह गाइस, हमने यहाँ पर अंकल का $100 million का सोना बचाया, उसमें से $40 million तो मुझे ऐसे ही दे दिए, बहुत सही। चलो गाइस अब यहाँ पे $40 million का कोई सूट देखते हैं। गाइस एक सूट है, पहले ना यार ये देखते हैं सूट अच्छा भी है नहीं। और रे वाह ये वाला सूट की हाइट तो काफी बढ़िया लग रही है, चलो इसको बाय करके देखता हूँ। ओके गाइस लुक एट माय हाइट, मैं यहाँ पर काफी लंबा हो गया हूँ, कम से कम मेरी हाइट हो गई होगी 8 फुट। अरे वाह, वैसे आपकी हाइट कितनी है? अगर किसी बच्चे को बताए तो कमेंट में लिख कर बताओ कितने फीट है, 3 फीट 4 फीट या फिर 3.5 फीट कितनी है, जल्दी बताओ मैं भी तो देखूं। जल्दी जल्दी चलता हूँ और उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ बिल्कुल भाई, वो
गोल्डन हल कहाँ है? उसने हमारा घर फाड़ दिया था, हमारा सारा पैसा चला दिया। हमको क्या पता भैया, हमसे क्या पूछ रहे हो? हमको सुट्टा पीने से मजा आती। बकवास बंद कर, जल्दी जल्दी जाता हूँ, हटो यहाँ से। मुझे गोल्डन हल को ढूंढना होगा, उसको बर्बाद कर दूंगा। ए मैडम, आपको पता है क्या गोल्डन का है? अरे मेरे को नहीं पता, प्लीज मत मारो मुझे। आप तो बहुत बुरे हैं। मैं बुरा ही हूँ और छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। मुझे गोल्डन हल्क को दे दो, नहीं तो पूरा शहर खत्म कर दूंगा। गोल्डन हल्क, तू बचेगा नहीं, तूने हमारा पूरा का पूरा घर तबाह कर दिया, ये रहा तू। अरे बाप रे गाइस, एक मिनट, ये तो शायद वही दोनों हैं जिनका घर मैंने तबाह कर दिया था रात के टाइम। बिल्कुल, हम वही हैं और मेरा भाई ब्लैक हल्क और मैं साथ मिलके तुझे पीटने हैं। गाइस यार, अब बिना मैंने भी एक नया सूट खरीदा है, ये गोल्डन आयरन का। चलो इससे बढ़िया मौका क्या होगा, अपना मैं इन दोनों को पीट कर इस सूट की पावर भी चेक कर लूंगा और इन दोनों के पैसे भी चुरा लूंगा। देख रहा छोटे भाई कैसी बातें कर रहा है? अभी बताता हूँ तुम लोगों को। ये रह 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 गाइस, ये क्या कर रहा है? ये ले बेटा। अरे बाप रे, तो मारता भी है। बिल्कुल, मैं मारता भी और पूरी तरह से पीटता हूँ। अभी गाइस देखिए, इनकी चटरी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे पीट पीट कर। ब्लैक रिवेंजर, ये ले दे तो, ये ले। अरे यार पीछे से मारा ब्लैक, ये ले गाइस। अभी हम ब्लैक रिवेंजर को भी हरा देंगे और उसके भाई ब्लू रिवेंजर को भी। अरे मैं तेरे लिए अकेला ही काफी हूँ। अच्छा ये रे गाइस, यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर की हालत खराब कर दी और ब्लू रिवेंजर भी गया। अरे भाई बहुत बुरा मार रहा है गाइस, इसकी तो आवाज भी बदल गई पिटते पिटते। देखिए इसकी क्या हालत हो गई, प्लीज मेरे को छोड़ दे। गाइस यहाँ पे दोनों हार चुके हैं। मेरे पास एक आइडिया है, हम ना इनका अकाउंट भी तो चेक करें, पता नहीं क्या पता इनके पास अच्छा खासा पैसा मिल जाए। कुछ पैसा है, अरे हाँ है। अरे वाह गाइस, इसके पास तो 30 मिलियन डॉलर हो गए। तो गाइस एक काम करते हैं, इन 30 मिलियन डॉलर में कोई नया सूट ही खरीद लेते हैं। अरे नहीं गाइस यार, यहाँ तो एक लास्ट सूट बचा है, वो भी 100 मिलियन डॉलर का है और मेरे अकाउंट में तो बस 30 मिलियन डॉलर है। मतलब बाकी के 70 मिलियन डॉलर कहाँ से लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ एक आइडिया, अभी तो मैंने जस्ट ब्लू रिवेंजर से पैसे लिए हैं, ब्लैक रिवेंजर भी तो है। ए, मुझसे दूर रहे, मेरे पैसे मत ले प्लीज, ये मेरी दादी के लिए है। क्या देख रहे हो गाइस, कैसे झूठ बोल रहा है गाइस। 70 मिलियन डॉलर इसके अकाउंट से मिल गए, मेरे पास हो चुके हैं टोटल 100 मिलियन डॉलर। चलो अब जल्दी यहां से चलते हैं, इससे पहले कि पुलिस आ जाए और फालतू में हमारे पैसे से छीने। निकलते हैं यहां से बढ़िया तरीके से। यस गाइस, अब फाइनली मैं यहां पर एकदम सेफ जगह आ चुका हूं, ये सही रहेगा। तो गाइस आप सभी तैयार हैं? अब मैं यहां पर खरीदने वाला हूं वो लास्ट वाला 100 मिलियन डॉलर का सूट। तो ये निकाला मैंने अपना स्मार्टफोन। तो गाइस यार मैं तो ये सोच रहा हूं ये सूट दिखता कैसे होगा, सबसे पहले देख ही लेते हैं। अरे वाह, ये तो गाइस 5-हेडेड गोल्डन रिवेंजर का सूट, एकदम प्योर। इसको बाय करता हूं। ओके गाइस लुक एट मी, मैं तो बन चुका हूं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल गोल्डन रिवेंजर हल्क, वो भी 5-हेडेड। अरे गाइस मेरी पावर तो देखिए कितनी ऑसम लग रही है, कितना ही ज्यादा मजा आ रहा है इस स्पीड में दौड़ने में। अरे रे 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 गाइस, अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।